एनिंग एंड पितार्थन मतलब क्या होता है बाबू? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं देसी ट्रेवलर, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ज़्यादातर हमारे ब्लॉग में आपने बस्तर का कल्चर देखा होगा, बस्तर के जंगल देखे होंगे, ट्रैकिंग देखा होगा, लेकिन अब वक्त आ गया है जसपुर के विलेज लाइफ का, यहाँ के टूरिस्ट प्लेस और सारी चीज़ों का घूमने का। कैसा लग रहा है बाबा आपको यहाँ से? क्या बोलते हैं बाबा? बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है और मौसम भी अच्छा है। नाच से लगातार यहाँ के जितने भी वन वीक में जितना भी अपन कल्चर शूट करना है वो सारी चीज़ें अपन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, घर से निकलते ही सबसे पहले अपन आए हैं यहाँ पर चौक में, और बस्तर में जैसे गोंड आदिवासी लोग रहते हैं और वहाँ की अलग संस्कृति है, वैसी जसपुर का एक अलग ही कल्चर है। यहाँ क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं, और ये जो चौक है ये पीछे पत्थर से बना हुआ जो आकृति देख रहे हैं इसे बोलते हैं गोटो। यहाँ पर प्रेयर मीटिंग और प्रभु यीशु की पूजा आराधना ये सारी चीज़ें की जाती है। और अभी फिलहाल हम शुरुआत कर चुके हैं, यहाँ काफ़ी सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो हमारे पीछे खड़े हैं, जो देख रहे हैं कि भैया क्या कर रहे हैं करके। और आपको मैं लेके चलता हूँ, एक राउंड यहाँ से लेके आ गए हूँ, अब इधर से एक राउंड घूमेंगे पूरा गांव को। तो हम इस गांव के लिए बिल्कुल अजनबी हैं, और बच्चे कैमरा और हमारे गेटअप को देख के मतलब पीछे पीछे आ रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है ये गाँव। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ट्रेडिशनल जो चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। देखो, आदमी पैसा से, एजुकेशन से सबसे प्रोग्रेस कर लेगा, लेकिन कल्चर को जब तक, संस्कृति को, परंपरा को हम बचाएंगे नहीं, बिल्कुल तब तक वो सेव नहीं रह पाएगा। घरों का बनना कहीं ना कहीं, या डेवलपमेंट का होना कहीं ना कहीं, उस चीज़ का डेवलपमेंट रहे, लेकिन जो पैटर्न है, जो जैसे शादी करते हैं हम शादी के पैटर्न को फॉलो करते हैं, हमारे यहाँ सारी चीज़ों को पैटर्न को फॉलो करते हैं। कोई मर जाता है तो जो विधि को विधान जिसके अनुसार से चलता है वैसे ही चलता है, तो वो ये भी गांव भी वैसे ही रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए जैसे बस्तर। हाँ, बस्तर अभी 500 साल पुराना जैसे रहा होगा, आज भी अगर बस्तर के जंगल में जाके देखे, विलेज एरिया में जाके देखे, तो वहाँ आज भी उसी संस्कृति और कल्चर को मानते हैं और उसी तरीके से पूजा आराधना किया जाता है बस्तर में। लेकिन एक चीज़ है, वहाँ के लोग अभी भी एडवांस डेवलप नहीं हो पाए हैं इकोनॉमिकल और एजुकेशन के मामले में, कंपेयर ऑफ जसपुर। अभी हम फिलहाल पहुँच गए हैं। किनके घर लेके जा रहे हो बाबा? बड़ी मम्मी का माइके है ये, देखो ना, लेके आया ना, स्क्रिप्ट बना के आया था, और आज फाइनली पहुंच गए अपन, और अब आ ही गए हैं तो पूरा अच्छे से बना के जाएंगे, पूरा पूरा एक एक छान के पूरा बनाएंगे। फूड ब्लॉगिंग तो अपने बाबा करेंगे, वीडियो। और यहाँ होगी अभी थोड़ी देर तक मीटिंग, मेहमान नवाजी, जो कुछ भी बोल सकते हो। जयसु भाभी, कैसे हो? ठीक। क्या बना रहे थे? तो प्याज है रे। क्या बनाया है खाने में? अभी हम लोग यहाँ आए हैं और मेहमान नवाजी शुरू हो गया है। सबसे पहले भाभी हमको पानी पिलाई और खाने के लिए पूछ रही है, और यहाँ का लोकल फूड खाएंगे अपन। तो लाज लग रहा है मेरे को। फोन करके आते बोले तू तो सीमेंटेड करवा देती इसको। यहाँ से पास में कौन कौन सा पड़ेगा? ये पड़ेगा कैलाश गुफा। कैलाश गुफा, राजपुरी तो गए थे, राजपुरी गया। हाँ, तो ये खुड़िया रानी ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ, ये लिखा पत्थर। हाँ, लिखा पत्थर यहाँ ये बादर खुल जाएंगे। हाँ, बादर खुल के लेफ्ट साइड में घुसना पड़ेगा। लिखा पत्थर में क्या है? पुराना प्राचीन लिखा हुआ है, रॉक पेंटिंग लिखा हुआ बस। अच्छा, उसके बाद और ये गुलू, तो आप लोग उधर से जाओगे ना, जसपुर जाओगे, पहाड़ पहाड़ में जाओगे तो गुलू डैम मिलेगा। अच्छा। हाँ, रास्ते में मतलब राइट साइड पड़ेगा डैम, नीचे है रोड के एकदम नीचे थोड़ा। और ये लास्ट वाला, और ये मायाली, मायाली ये तो वो दे जसपुर पहुंचने पहले क्या गांव है, कमतरा। अच्छा, देश देखा को जान रहे हो? देश देखा भी वही आसपास में है, मतलब यहाँ से 8 प्लेस हम लोग एक साथ घूम सकते हैं। दनगरी का रास्ता मेरे को नहीं पता, दनगरी के आसपास 2 प्लेस है, दो जगह। हाँ, इसको इसको जा गुलू और दनगरी, वो रास्ते में मिल जाएगा। और थोड़ा सा अगर सर्च करेंगे मकर भंजा भी पास में ही है, पूछ लेंगे। मैं ये चीज देखा हूँ बाबा, मकर भंजा को ना पूरा छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन जसपुर वाले नहीं जान रहे हैं। हम नहीं जानते हैं, मैं भी 2-3 जगह पूछा, उसको कुछ और नाम से जानते हैं।
दोस्तों लगभग आधा घंटा हो गया हम लोग को डिस्कशन करते, और आठ प्लेस जो यहाँ है वो नजदीक है, कैसे पापा? और आठों प्लेस को कंप्लीट घूमेंगे हम लोग, धनगिरी, बेलवा, मकरमहजा, कुड़िया रानी, लिखा पत्थर, बादलखोल, राजपुरी, कैलाश गुफा, और जहाँ पर रात होगा वहाँ नाइट कैंपिंग। कैसा लगा बाबा मेहमान नवाजी? बहुत मस्त, मजा आ गया, मजा आ गया। नीचे देखो नवाजी, और भाई तो बहुत सारा चीज सीख के जा रहे हैं। रिकॉर्ड कर लिया भाई, और रिकॉर्ड भी कर लिया। एन अर्धन गरम पानी करके अंकुर निकलेगा, इसको बोएंगे अभी, बोने के लिए ये कल परसों के लिए, तो दो तीन दिन में हल्का फुल्का अंकुर निकल जाएगा। तो दोस्तों अभी हमको जाना है कैलाश गुफा की तरफ, और कैलाश गुफा से फिर इसी गांव में रिटर्न होने वाले हैं। दोस्तों यहां देख सकते हो चारों तरफ खपरे के घर हैं, और इसे हम लोग की तरफ बोलते हैं कोठा। इसमें गाय, बैल, बकरियां इसमें रहते हैं, गाय ऐसे पोताई किया गया है, और ये है बस्तर का घर, लोकल गांव का घर, जो ज़्यादातर ऐसे पेंट किए जाते हैं। और इस घर में शादी हो रही है। अमितेश जी पर व्लॉग नाम बता दो अपना। मेरा चैनल का नाम है अमितेश व्लॉग, और मैं छत्तीसगढ़ के अलावा और भी काफ़ी सारे जगहों का, मतलब मैंने अभी एमपी एक्सप्लोर किया है, तेलंगाना में एक्सप्लोर किया है, और छत्तीसगढ़ भी ऑलमोस्ट मैं कवर करूंगा। साथ ही आप लोगों को मेरे चैनल पे पूरे इंडिया के सभी प्लेस के वीडियो देखने के लिए मिलेंगे इन फ्यूचर। तो दोस्तों आज दोपहर तक हम गाँव पूरा विलेज लाइफ आपको दिखाया, यहाँ का गोटो, यहाँ का मीटिंग एरिया, और यहाँ का जो प्रेयर एरिया है जहाँ प्रभु यीशु का यहाँ प्रेयर करते हैं, ये एरिया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। जय जसपुर। एन निंगन, एन निंगन पितरदान।